BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज मैं बात करने वाला हूँ आर्थिक आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, और मैं फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि एट द एज ऑफ 60 आई हैव अचीव माय फाइनेंशियल फ्रीडम। जो भी गोल्स मैंने रखे थे कई साल पहले, वो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑलरेडी मैंने मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए हासिल किया है। क्या सभी लोग जो सुन रहे जानना चाहते हो कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम मैंने कैसे हासिल किया, तो अगले 5 या 6 मिनट आप अगर स्पेयर करते हो और ध्यान से सुनते हो तो आपको भी काफी अच्छी जानकारी मिलेगी। आपका भी फाइनेंशियल फ्रीडम जो भी एज में आप चाहते हो जाएगा, एंड यू विल हेल्प योर क्लाइंट्स आल्सो अचीव देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। बाय फाइनेंशियल फ्रीडम आई मीन कि जो भी मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है टिल माय एज ऑफ 60 और आगे भी फाइनेंशियल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेरा कंटिन्यू रहेगा विदाउट मी वर्किंग फॉर 8 to 10 hours। व्हाट आई मीन इज जो भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग किए मैंने, जब से मेरा अर्निंग चालू हो गया तभी से एज 60 तक जो भी अर्निंग्स की, उसमें से सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की, उस इन्वेस्टमेंट में से जो इनकम आ रहा है उसकी वजह से मेरा आर्थिक आजादी मुझे मिली है। सो इसके लिए, यह आर्थिक आजादी मिलने के लिए मैं मानता हूं कि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो सीखे मैंने अच्छे अच्छे ट्रेनर से वो मैंने इम्प्लीमेंट किए और मुझे आर्थिक आजादी आज मिली है। तो सेम कॉन्सेप्ट्स में शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज लोगों को वेल्थ जनरेशन के लिए, वी आर वेल्थ मैनेजर्स, हम लोग खुद को वेल्थ मैनेजर्स बताते हैं और वेल्थ क्रिएशन हम लोग क्लाइंट के लिए करते हैं। तो आई डेफिनेटली फील कि वेल्थ क्रिएशन इज डन बाय कंसिस्टेंट सेविंग। कंसिस्टेंट सेविंग हेल्प्स इन वेल्थ क्रिएशन रादर देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है तो ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी इन सेविंग। मैं मेरा छोटा ऐसा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि 1979-80 में जब सीए का कोर्स चालू किया मैंने, तभी मुझे 60 rupees का स्टाइपेंड था, 60 rupees का स्टाइपेंड मिलता था, और तभी 60 rupees में से 1979-80 में मैंने 20 rupees का रिकरिंग डिपॉजिट चालू किया। 1980 में 20 rupees मंथली सेविंग जो मैंने चालू किया, आज अभी 2021 में इट हैज गेन बिग प्रोपोर्शंस। तो कंसिस्टेंटली सेविंग कर रहा हूं मैं, तो कंसिस्टेंटी ऑफ सेविंग इज मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड आर्थिक आजादी। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट है वो अलॉन्ग विद आर्थिक आजादी, बाय आर्थिक आजादी पीपल जनरली एवरीबडी विल रिलेट 100% टू मॉनेटरी टर्म्स, बट अलॉन्ग विद मॉनेटरी टर्म्स आई हैव आल्सो अटैच्ड अ बिग इंपॉर्टेंस टू हेल्थ आल्सो। फॉर मी आर्थिक आजादी अगर आज मेरी मिली है तो मेरे पास वक्त है, काफी सारा वक्त लोगों के पास 60 के बाद होता है, तो वक्त तो है मेरे पास, पैसा भी है जो मैंने सेविंग किया और पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे का और वक्त का अगर सदुपयोग करना है, मुझे अच्छी तरह से एंजॉय करना है, तो मेरे पास अच्छी हेल्थ होनी बहुत जरूरी है। अच्छी हेल्थ और अच्छा वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट जनरेट नहीं होता है। आई हैड टू वर्क फॉर द लास्ट 25-30 years फॉर वेल्थ क्रिएशन, एंड आई ऑल्सो वर्क कंसिस्टेंटली टू मेंटेन अ गुड हेल्थ ऑल्सो। सो हेल्थ के लिए भी मैंने काफी जागरूक रहा हूँ और काफी मेहनत ली है मैंने। जो सिमिलैरिटीज है वेल्थ क्रिएशन में और अच्छे वेल्थ में, अच्छे हेल्थ रखने में, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपको 2 या 3 points बताना चाहता हूँ। इन केस ऑफ वेल्थ क्रिएशन आई वुड से यू हैव टू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ। व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट सेविंग। सेम वे अगर अच्छी हेल्थ रखनी है आपके लेटर एजेस में, तो इवन इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ। आपको योगा अच्छा लगता है, आपको वॉक अच्छा लगता है, आपको जिम में जाना अच्छा लगता है, वो आपको अर्ली स्टेज अर्ली करियर में, आपको जब आप यंग हो तभी से करना जरूरी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन इज हैविंग अ बैलेंस पोर्टफोलियो। बाय बैलेंस पोर्टफोलियो आई मीन सभी क्लासेस के एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। सेम वे इन ऑर्डर टू हैव अ गुड हेल्थ यू हैव टू हैव अ बैलेंस डाइट ऑल्सो। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, टू क्रिएट गुड वेल्थ एवरीबडी रिक्वायर्स अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। सेम वे टू हैव अ गुड हेल्थ आई थिंक यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड पर्सनल ट्रेनर जो आपको ट्रेन करे, जो मोटिवेट करे रेगुलरिटी रखने के लिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेज है और कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, इट इज रिगार्डिंग फेजेस ऑफ लाइफ। जनरली हम लोग थ्री फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। वन इज द अर्निंग फेज जो शॉर्टेस्ट है,
25 जब हम लोग कमाना चालू करते हैं टू 60 जब ये हमारा कमाई खत्म हो जाता है, आई एम टॉकिंग जनरली फॉर सैलरीड पीपल, फॉर बिजनेस पीपल इट कैन गो हायर ऑल्सो, तो 35 साल जनरली हम लोग कमाते हैं। सेकेंड इज द लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन जनरली स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ जीरो, और एवरेज आज जो हम लोग मॉर्टेलिटी देख रहे हैं, पीपल आर लिविंग टिल द एज ऑफ 72 to 75, तो रफली अगर हम लोग 75 ईयर्स का पकड़ते हैं तो हमारा लाइफ है, सेकेंड स्टेज इज फॉर 75 ईयर्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्पेंडिंग फेज, स्पेंडिंग फेज जो होता है, तो जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जीरो से जब तक मैं जन्म लेता हूं और मेरा जब डेथ होता है तब तक मेरा स्पेंडिंग फेज रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म पे पहले भी जब मैं मेरे माँ के पेट में था तभी से डॉक्टर्स को मिलना, सभी खर्चा तो हमारे पैदा होने के पहले चालू होती है, और कभी कभी खर्चा हमारा डेथ के बाद भी कम से कम 13 दिन तो चलता है, लेकिन आगे भी चल सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि स्पेंडिंग स्पैन बहुत बड़ा रहता है, अर्निंग स्पैन कंपेरेटिवली बहुत छोटा रहता है। तो व्हाट आई फील इज अगर अर्निंग स्पैन में हम लोग हमारे रिटायरमेंट के पीरियड के ऊपर ध्यान रखते हैं और उसकी प्रोविजन करते हैं तो देन आर्थिक आजादी मिलने में हमें कोई रोक नहीं सकता। एक छोटा सा ऑन अ लाइटर नोट में हमेशा शेयर करता हूँ या लोगों से बात जब करता हूँ कि पीपल देर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड हू लाइक सी फूड, सी फूड उनको बहुत अच्छा लगता है, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। उनको मैं बोलता हूँ सर आपको सी फूड इतना अच्छा लगता है, अगर आप इस अर्निंग पीरियड में अच्छी सेविंग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 के बाद जब आपका इनकम खत्म हो जाएगा तो यू विल हैव टू फॉल बैक अपॉन योर सेविंग्स, और अगर आपने अच्छा सेविंग किया है तो यू कैन एंजॉय योर सी फूड थ्रू आउट द लाइफ। व्हाट आई मीन बाय सी फूड इज SEA। अगर आपने अच्छा सेविंग नहीं किया है और आपके पास अच्छे पैसे नहीं है 60 के बाद रिटायरमेंट के बाद तो आपको क्या हो जाएगा ना, वो सी फूड SEA फूड खाने को नहीं मिलेगा, यू विल ओनली हैव टू गो टू द फिश मार्केट एंड सी फूड SEE आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, सिर्फ देख के आप आओगे एंड देट विल बी अ वेरी बैड थिंग। ये जो 3 stages ऑफ लाइफ है इसमें अगर आप सेविंग स्पैन में अच्छा सेविंग करते हैं तो द 4th span ऑफ लाइफ कैन ऑल्सो बी एंजॉयड बाई यू, विच आई कॉल इट एज अ डिग्निटी स्पैन। डिग्निटी स्पैन में क्या हो जाएगा, आपके लिए तो सेविंग किया है आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, लेकिन आपके बच्चों के लिए आपके पोतों के लिए अगर पैसे की जरूरत लगती है तो आप दिल खोल के पैसे दे भी सकते हो जिससे आपकी डिग्निटी बढ़ेगी। द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इस कोविड पीरियड में लोगों को पता चल गया है इज इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्ट्स विच आर सेफ। मैं ये मानता हूं कि रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन व्हाट आई फील इज रिटर्न ऑन कैपिटल, व्हाट आई मीन बाय रिटर्न ऑन कैपिटल इज आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 6% रिटर्न मिल रहा है, 8% मिल रहा है या 12% मिल रहा है, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल। जो आपने इन्वेस्ट किया है 10 लाख किया है, 25 लाख किया है, 50 लाख किया है, वो पैसा वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू द रिटर्न ऑन कैपिटल। और जैसे आपके एज बढ़ता है रिटर्न ऑफ कैपिटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये 3 या 4 चीजें जो आपको बताई मैंने, ये प्रैक्टिकली मैंने इम्प्लीमेंट किए है मेरे लाइफ में, और उसी की वजह से आज एट द एज ऑफ 60 आई एम फाइनेंशियली फ्री। तो आप भी अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, ये क्वेश्चन नहीं है, मुझे पता है सबको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आप अगर ये 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली फाइनेंशियली फ्री आप हो जाओगे। सो बेस्ट विशेस टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक करो, शेयर करो, आप आपके कमेंट आप मुझे भेज सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। अगर कोई क्वेरीज है वो भी मैं आंसर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।